मीना अभी तक समोसे बेच के घर क्यों नहीं आई? इस टाइम तक लौट आती है। आज मैंने इसके समोसे पे टेस्ट मिर्ची कर दी थी, देखना वापस छोटा सा मुंह लेके आएगी। बोले कि दी मेरे समोसे आज भी नहीं बिके। मैं करूँ उसके घर में जाके झाड़ू पोछा और खुद मदद से समोसे बेचे। मैं कहती हूँ झाड़ू पोछे मेरी मदद करो, तो कहती है नहीं मुझे अपना बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस। मैं भी देखती हूँ कब तक अपनी जिद पे यूं ही अटी रहती है। मैं भी इसको अपने साथ झाड़ू पोछे पे लेके जाऊंगी, मैं रोज इसके समोसे खराब करूंगी। आखिरकार इसको अपनी हिम्मत हारनी होगी और समोसे वाला काम छोड़ना होगा। ये अभी तक आई क्यों नहीं? वैसे मुझे तो लग रहा था इसके एक दो समोसे बिकेंगे, लोग इसको गालियां देंगे, ये लौट कर छोटा सा मुंह लेके रोती रोती घर आ जाएगी। क्या हुआ मीना, तुम्हारे समोसे आज भी नहीं बिके? तुम तो फिर समोसे बचा के ले आई। मैं कहती हूँ ये बिजनेस तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। पता नहीं दी क्या हो रहा है मेरे साथ, आज फिर समोसे में मिर्ची तेज हो गई। मैं तो नाप तोल के डालती हूँ। ये काम तुम्हारा नहीं है इसलिए तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा रोज मेरा झाड़ू पोछे पे चल लिया करो, हम दोनों एक साथ जाएंगे झाड़ू पोछा करने, मैं और घर पकड़ लूंगी। सोचो कितना पैसे कमाएंगे, ये समोसे तुम्हें क्या देगा? नहीं दी मुझे काम तो यही करना है। कोई बात नहीं मैं बनाती रहूंगी, कभी ना कभी तो मेरे समोसे बिकेंगे ना। ऊपर से तुमने एक और दुकान किराए पे ले ली, उसका किराया कौन देगा भला? मैं नहीं देने वाली, मैं पहले बता देती हूँ। दी मैंने कहा है ना मैं अपना खर्चा खुद पूरा कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं देखूंगी क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल सही नमक मिर्च डालती हूँ, कभी नमक तेज हो जाता है तो कभी मिर्च, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मैं भी समोसे बनाती जाऊंगी, आज नहीं तो कल सबको मेरे समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। नदी बात तो सही कर रही है, मैंने दुकान भी किराए की ले ली है, अगर मेरे समोसे नहीं बिके तो मैं किराया कैसे दूंगी? क्या करूं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं थोड़ा ढाबा नहीं लगाऊंगी तो मैं समोसे कहाँ बैठ के बेचूंगी? मैं तो अपने समोसे माँ की रेसिपी से बनाती हूँ, माँ की रेसिपी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो एक एक हिसाब पता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं तो बहुत ध्यान से हिसाब किताब करके मिर्ची डालती हूँ, कभी मिर्च तेज हो जाती तो कभी नमक, मैं खुद चकरा के रह गई हूँ, ये मेरे साथ चल क्या रहा है? आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर जाके आराम कर लेती हूँ। आज तो मेरे से दो ही समोसे बिके, ऐसा चलता रहा तो किराया मेरे सर पे चढ़ जाएगा, मैं किराए की अदायगी कैसे करूंगी? ये मीना वाकई बहुत जिद्दी है, मैं कितना इसको परेशान कर रही हूँ, लेकिन इसको ये नहीं हो रहा कि समोसे का काम बंद कर दे। लगी पड़ी है कि नहीं मैं समोसे ही बेचूंगी, अब भला मैं और क्या करूँ? मैं तो रोज नए नए तरीके पे लगा लगा के थक गई हूँ, लेकिन मीना तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरे घरों में जा जाके झाड़ू पोछा कर करके मेरी कमर टूट गई है। ये नहीं होता कि दी का हाथ बता दे, पूरे दिन जाती है दो तीन समोसे बेच के आती है, इसको भला क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लगी हुई है कि समोसे ही बेचेगी। छोटी छोटी चाल चल चल के मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा कुछ जिसे मीना हार मान जाए और समोसों का काम बंद कर दे। मीना को क्या लगता है कि ये अपने काम में कामयाब हो जाएगी? इसको नहीं पता, इसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं हूँ। मैं इसको कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं मैं कोई और तरकीब लगाऊंगी, लेकिन इसको काम करने से रोकूंगी। समोसे बेचने जाती हूँ, आज तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट समोसे बनाए, मैंने नमक चेक भी किया है, बिल्कुल ठीक है। देखो आज क्या होता है, क्या हुआ फिर जा रही है समोसे बेचने? दी मेरे पास यही काम है, मैं समोसे ही बेचती हूँ और क्या करूंगी? जब भी तो बोल रही हूँ काम काज छोड़ो मेरे साथ आओ। दी आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बिजनेस को ही आगे लेके जाऊंगी। ठीक है जाओ जाके बेच लो, जो तुम्हारे करना है करो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ना रोकूंगी ना टोकूंगी। मेरा क्या हो गया, आज तुम वक्त से पहले वापस आ गई और तुम्हारे समोसे तो वैसे के वैसे ही, जैसे तुम लेके गई थी, लग रहा है तुम्हारा एक भी समोसा नहीं बिका। ती पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे समोसे में दो बड़े बड़े बाल निकले, कस्टमर मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ तुमसे ये काम नहीं होगा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। सोचो अगर तुम पे केस हो जाता अनहाइजेनिक का, इतने अनहाइजेनिक समोसे कौन खाएगा? आज तो बाल निकल गया, आज तो हद ही हो गई। सोचो अगर कस्टमर गुस्सा आ जाता, वो तुम्हें थाने वाने ले जाके तुम्हारी रिपोर्ट कटवाता, सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हें जेल से छुड़वा पाती, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी तुम बच गई। दी क्या ऐसी बातें करती है, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है दी मेरी बहन नहीं मेरी दुश्मन है। मेरे समोसे में से बाल कैसे निकल सकते हैं? मैं तो इतनी सफाई से समोसे बनाती हूँ, हाथ में ग्लव्स भी पहनती हूँ। ये माजरा मेरी समझ में नहीं आया, अब मुझे पता लगाना होगा भला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी मिर्ची तेज हो जाती है, कभी नमक, आज तो बाल ही निकल आया। आज का समोसा मैंने खा के देखा था कितना टेस्टी था, आज तो नमक मिर्च सब बराबर था, पता नहीं कहाँ से बाल आ गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया कि मीना किचन में नहीं है, जल्दी से उसके आलू के समोसे में नमक और मिर्ची बढ़ा देती हूँ, फिर मजा आएगा। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, आज मीना ने डबल समोसे का मसाला लिया, जब ज्यादा खराब होगा तो मीना को कितना अफसोस होगा, कितना दुख होगा। जब मसाले में नमक मिर्च तेज होंगी तो मीना का छोटा सा दिल टूट जाएगा, फिर हो सकता है उसके दिल में ख्याल आ ही जाए, जो उसको कब से समझाना चाह रही हूँ कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। कि मेरी आंखों ने क्या देख लिया कि मेरे समोसे दी खराब करती है, दी नमक मिर्ची बढ़ाती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी अपनी सगी बहन जिसको मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, वही मेरी दुश्मन निकली। जब दी मेरी दुश्मन है तो मुझे और दुश्मनों की क्या जरूरत है।
आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी दी मेरी दुश्मन है, तभी मेरे पीछे पड़ी रहती है। काम काज छोड़ दो, मेरे साथ झाड़ू पोछा करो। मैं दी को समझा समझा के थक गई। दी मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे अपने काम को आगे लेके जाना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। दी मेरे साथ कोई भी चाल चल ले, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। अब से मैं समोसे बनाऊंगी और उसकी निगरानी भी खुद करूंगी। फिर देखती हूँ दी मेरे साथ क्या करती है, कैसे मेरे काम को बिगाड़ती है। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी आंखें खोल दी, जो मेरी आंखों पर पट्टी बनी थी दी को लेके। मुझे लगता है दी मेरी माँ समान है, मेरी मदद करेगी मेरे काम को लेके, पर दी तो मेरी दुश्मन निकली। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आज मैं समोसे भी बनाऊंगी, उसकी निगरानी भी करूंगी और बेच के भी आऊंगी, दी को दिखा दूंगी। दी आपकी छोटी बहन कमजोर नहीं है, जो ठान लेती है उसको करके रहती है। पर अफसोस मुझे दी पे हो रहा है कि दी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दी ने मेरे समोसे में कभी नमक टेस्ट किया तो कभी मिर्च, कल तो हाथी हो गई जब मेरे समोसे से बाल निकला। कोई बात नहीं, मैंने अपने समोसे रेडी कर लिए हैं और मैं समोसे छोड़ कहीं नहीं जाने वाली। आज मैं यही बैठूंगी, दी को पता भी नहीं है। दी मेरा किचन में इंतजार कर रही है। आज मैंने सारा सेटअप अपने स्टोर रूम में बनाया है। दी मेरा किचन में इंतजार करती करती रह जाएगी, उसको पता भी नहीं है कि मैं अपने समोसों का काम यहाँ पे कर रही हूँ। मैं यहीं पे रेडी करके यहीं से सारे अपने डायरेक्ट दुकान पे ले जाऊंगी और कल सारे बेच के आऊंगी। पर दी की वजह से मेरे बहुत सारे कस्टमर चले गए हैं। इन्होंने कहा कि मैं समोसे अच्छे नहीं बनाती, मुझे उन कस्टमर को खींच के वापस लाना होगा। मैं उनसे बोलूंगी आप समोसा लेके खा के देखिए, तो अब से मैं एक समोसे के साथ एक समोसा फ्री दूंगी। जब ये ऑफर लगाऊंगी तो लोग खुद खींचे चले मेरे पास आएंगे और जब वो मेरे समोसे खाएंगे तो वो कहेंगे जायका तो बिल्कुल पहले जैसा है। फिर मेरे समोसों का धंधा पहले की तरह चल पड़ेगा। दी ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं दी को कभी माफ नहीं करूंगी। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, पूरी रात जाकर मैंने समोसे बनाए। अब सुबह हो गई है, मेरे समोसे बेचने का टाइम हो गया, अब मैं निकलती हूँ। आज मैं 200 समोसे बनाकर लेके गई थी, सिर्फ 6 समोसे बचे मेरे। आज मेरी बहुत अच्छी बोनी हो गई, बचे हुए 6 समोसे मैं गरीबों में बांट दूंगी। सामने से दी आ रही, मेरा दी का शक्ल देखने का ही दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ मीना, आ गई? आज भी तुम्हारे समोसे नहीं बिके? नहीं दी, आज तो मेरे सारे के सारे समोसे बिक गए, बस 6 ही समोसे बचे। क्यों, ऐसे कितने बना के ले गई थी तुम? दी मैंने 200 समोसे बनाए थे, बस 6 समोसे बने। क्या बात है, आज तुम्हारे बहुत सारे समोसे बिक गए, बड़े पैसे कमाए होंगे। पर मीना तुमने समोसे बनाए कब, मुझे तुम किचन में नजर ही नहीं आई, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मीना दी मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, मेरे समोसों का काम बिगाड़ने के लिए? क्या कहना चाहती हो मीना, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मीना तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के पास घटिया इल्जाम लगाते हुए? जब मेरी बड़ी बहन को घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कैसी शर्म? मीना ने ऐसा क्यों कहा, क्या मीना को पता चल गया था किसके समोसे मैं ही खराब करती थी? पर इसने साफ साफ क्लियर बात नहीं की, इसने इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे जानना होगा क्या इसको मेरी चाल के बारे में पता चल गया है। ये मीना समोसे बनाने आ क्यों नहीं रही, कब से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते मुझे नींद भी आने लग गई, ये कब आएगी, कब मैं इसके समोसे में काम खराब करूंगी। आज तो मैंने सोचा है मीना के समोसे में कुछ बड़ा कांड करूंगी, छोटी मोटी चाले चल चल के मैं थक चुकी हूँ। आज मीना के समोसे के मसाले में मैं मोशन की दवाई डाल दूंगी, जब इसके सारे कस्टमर वो समोसे खाएंगे और उनको मोशन होंगे ना, फिर वो मीना के समोसे नेक्स्ट टाइम तो नहीं खाने वाले। फिर मीना के समोसे की दुकान पे ताला पड़ जाएगा, फिर ये बेचारी क्या करेगी, इसने पंगा किससे लिया, अपनी बड़ी बहन से। ये भूल गई है कि टीना चीफ क्या है। टीना दी शायद भूल गई है कि हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं। टीना दी जो करने का सोचती है मुझे खुद ब खुद पता लग जाता है। टीना दी को क्या पता है कि मैंने अपना सारा समोसों का सेटअप स्टोर रूम में लगा लिया है, वो मेरा किचन में इंतजार करती रहती है, मैं अपना सारा काम करके निकल जाती हूँ। अब दी मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती, दी मेरा किचन में इंतजार करती रहेंगी और मैं बना के चली भी जाऊंगी। कब आएगी ये मीना, मैं थक गई हूँ इसका इंतजार करते करते, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद उठ के देख लूंगी। अगर ये किचन में मसाला छोड़ के जाएगी तो मैं अपनी दवाई मिला दूंगी, दवाई मिलाने से 5 मिनट का काम है, फिर तो मजा आएगा सुबह देखने में, जब ये छोटा सा मुंह लेके वापस आएगी। फिलहाल सो जाती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ उसका इंतजार करते करते, लगता है किसी फ्रेंड के पास चली गई, घर में भी कहीं नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अच्छे कामों का हमेशा अच्छा नतीजा होता है और बुरे कामों का हमेशा बुरा नतीजा होता है, इसलिए अच्छे काम करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम बुरे काम ना करें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, भाग कर जाइए, दौड़ कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।